हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज, आपको जैसा फ़ोटोग्राफ में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे हेयर ड्रॉ किया है मैंने और सनग्लासेस, जो कि रियलिस्टिक ड्रॉ लग रहा है। तो आज मैं आपको बताऊँगा स्टेप बाय स्टेप कि आप कैसे सनग्लासेस को और हेयर को आप रियलिस्टिक ड्रॉ कर सकते हो। सिंपली आप बेसिक से जो पेंसिल होता है चारकोल का, उससे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको चारकोल पेंसिल ले लेना है, बस आपको हेयर के डायरेक्शन में स्लोली स्लोली स्ट्रोक्स लगाने हैं। ठीक है, जहाँ आपका हेयर होगा बस सिंपली आपको प्रेशर नहीं लगाना है, क्योंकि अगर आप प्रेशर लगाएंगे तो हम हाईलाइट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको सिंपली स्ट्रोक्स लगाते रहना है। सबसे पहले हम फर्स्ट लेयर चढ़ाएंगे। ठीक है, ब्लेंडिंग के लिए यूज कर रहा हूँ ब्रश का, आप कोई सा भी ब्रश नॉर्मली यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर मैं सेकेंड लेयर चढ़ा रहा हूँ चारकोल पेंसिल से। सिंपली आपको स्ट्रोक्स लगाते रहना है, ज़्यादा प्रेशर का अप्लाई नहीं कर रहे हैं। जहाँ पे आपको वाइट एरियाज लग रहा होगा आपके फ़ोटोग्राफ के अकॉर्डिंग, आप वहाँ पे छोड़ सकते हैं, जिससे कि रियलिस्टिक ड्रॉ लगेगा। ठीक है, सेकेंड लेयर चढ़ाने के बाद मैं फिर ब्लेंड कर रहा हूँ ब्रश से। ठीक है, सिंपली आपको अप्लाई कर देना है। तो गाइज़, आपको अपने फ़ोटोग्राफ के अकॉर्डिंग डार्क एरियाज़ को ड्रॉ करना है। मेरे फ़ोटोग्राफ में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डार्क एरियाज़ था, इसलिए मैं थर्ड लेयर चढ़ा रहा हूँ चारकोल पेंसिल का, जिससे कि पूरा ब्लैक लग रहा है देखने में। ठीक है, वो आपको डिपेंड करता है कि आप कैसा ड्रॉ कर रहे हैं, आप कैसा उसे देख रहे हैं। ठीक है, तो आप अपने फ़ोटोग्राफ को इमेजिन कीजिए कि कैसा इसका टेक्स्चर है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं स्ट्रोक्स लगा दे रहा हूँ, छोटे छोटे जो बाल इधर उधर यहाँ पर निकले हुए हैं। ठीक है, फिर मैं हाईलाइट कर रहा हूँ गाइस, नॉर्मल सा पेंसिल जो होता है। ठीक है, जो आपको मार्केट में मिल जाएगा 20 से 25 रुपए, मैं उसी से हाईलाइट कर रहा हूँ। यहाँ पे कोई हाई फाई क्वालिटी का टोम्बो मोनो इरेजर मेरे पास नहीं है। ठीक है, तो आपको सिंपली अप्लाई कर देना है पूरे में। तो गाइज, मैं सनग्लासेस ड्रॉ करने के लिए जो जहाँ पे डार्क एरियाज हैं, मैं चारकोल पेंसिल का ही यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आउटलाइन ड्रॉ कर ले रहा हूँ इसका 2B पेंसिल से। अब मैं चारकोल पेंसिल से ये पूरा डार्क करूँगा सनग्लासेस को, क्योंकि यहाँ पे पूरा डार्क एरियाज है और जहाँ पे वाइट एरियाज है मैं उन्हें छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, वहाँ बाद में हम इरेज कर देंगे, तो आपको सिंपली आपको डार्क कर लेना है पूरे में। ठीक है, तो गाइज़, मेरे फ़ोटोग्राफ के अकॉर्डिंग मेरे सनग्लासेस में जो ग्लास है उसमें ट्री का जो है वो टेक्सचर है। ठीक है, फॉरेस्ट का, ये जंगल में फ़ोटो शूट हुआ था उसी का, तो मैं उसी को ड्रॉ किया हूँ यहाँ पे। ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहा है। ठीक है, बस आपको सिंपली उसी तरीके से ड्रॉ कर देना है। तो गाइज़, हमारा यहाँ पे फाइनल रिजल्ट कुछ इस तरह का है ड्राइंग का, जो कि हमारा हेयर भी काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहा है और जो सनग्लासेस है वो भी काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहा है। इसमें जो टेक्सचर जो हमारा आया है वो बहुत सारे ट्री हैं, ठीक है, फॉरेस्ट में उसका टेक्सचर आया। तो आई होप गाइज कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर हेल्पफुल लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए डू प्रैक्टिस, डू इम्प्रूव योर वर्क्स। तब तक के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।